रायसेन जिले की औद्योगिक नगर पालिका के वार्ड नंबर 10 में खाली पड़े मैदान में डंप किए गए कचरे से निकलने वाली बदबू और जहरीले धुएं से लोग बहुत परेशान हैं। लंबे समय से कचरे को यहां पर डंप किया जा रहा है, लेकिन नगर पालिका उससे निपटने के लिए कोई पहल नहीं कर रही है। नगर पालिका मंडीदीप के पास कोई भी ट्रेंचिंग ग्राउंड उपलब्ध ना होने के कारण वहां भी अस्थायी तौर पर कचरा डाला जा रहा है। निकाय को ग्राम गुराड़िया में जमीन आवंटित हो गई, जिस पर बाउंड्री वाल का निर्माण कार्य चल रहा है और ये लगभग 30 जून तक पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद ग्राम गुराड़िया में ही ये कचरे का निष्पादन किया जाएगा, यहाँ से कचरा ग्राउंड खत्म किया जाएगा। साथ ही जैसे अपना हमको ये भी संज्ञान में लाया गया है कि यहाँ पे हमारे कार्यालय के पीछे ही नगर पालिका वाले कचरा फेंक रहे हैं और ये लोग भी कभी कभी आग लगा देते हैं, तो उसके कारण से भी प्रदूषण में बढ़ोतरी होने की संभावना रहती है। करीबन हो गए हैं, बहुत परेशान है, सांस लेने में तकलीफ है, बहुत परेशान हो गए थे धुएं से। कंप्लेंट भी की लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, बोले 3 महीने बाद हटेगा। सर हम लोग इतने परेशान हैं कि हम रात में अगर सोएं तो भी हमें घुटन होती है और दिन में भी हमें सांस लेने में प्रॉब्लम है। ये जो धुआं है ना पूरा उड़ के हमारे घरों में घुसती है और जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर ऐसा लगता है कि अब घुटन हो रहा है, अब हमारा प्राण निकलेगा, हम जिए कैसे। जी हाँ, जब से डल रहा था हमने जब भी बोला तो हमें आश्वासन दिया गया कि बस आज ज्यादा से ज्यादा 1 महीने इंतजार करिए, आज 1 साल होने वाला है लेकिन वो कचरे को कुछ नहीं किया जा रहा है। लगातार हमें बदबू, लगातार धुआं, घर में जब हम घर में सेफ नहीं है, ठीक है था प्रदूषण यहाँ पे, पर इतना तो नहीं करो कि इंसान मर जाए। 8 महीने तो हो गए कचरे डाले थे साहब यहाँ से, और रास्ते में आने जाने में भी प्रॉब्लम जाती है गाड़ी घोड़ी की, मतलब बहुत बदबू आती है यहाँ पे, मतलब आदमी 2 मिनट भी खड़ा नहीं रह सकता है यहाँ पर। और यही पीने का पानी भी यहीं से जाता है, ट्यूबवेल यहीं पे लगा है, अब वो पानी भी अगर गंदा पानी भी कभी कभी बोर में उतर जाता है, उसको पब्लिक पी रही है, मतलब यहाँ कोई पब्लिक के लेके में कोई ये नहीं है, परेशानी हो रही। नगर पालिका भी कई बार चले गए, कोई सुनाई नहीं हो रही। देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनकी कथनी और करनी दोनों में बहुत फर्क है। जब वो इंसान की जान की कीमत नहीं कर रहे हैं तो फिर पशुओं की जान की कीमत क्या समझेंगे। ये छोटे छोटे बच्चे जिनकी अभी ठीक से आंखें भी नहीं खुली हैं, उनकी आंखों में बीमारियां लग रही हैं इन लोगों की गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से। ये कहाँ का नियम है, कहाँ का नियम है कि बस्ती के बीच में कचरा डाला जाए, बस्ती के लोगों को जिंदा मारा जाए